आमच्या युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्याकडे विनंती असा, तुम्ही मात्र बसून घेऊचे, फाटल्यान दिसना, कृपा करून बसून घेऊचे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, गोवा वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? गोवा की दोनों सीट जीतनी है या नहीं जीतनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ अंत तक, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भाई, ओ भाई, तेरा नगाड़ा मेरे भाषण से लंबा न हो जाए, इतनी चिंता कर। आज इस मंच पर उपस्थित सदानंद तनावड़े जी, प्रदेश अध्यक्ष गोवा भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान प्रमोद सावंत जी, गोवा के युवा और सफल मुख्यमंत्री श्री विश्वजीत राणे जी, स्वास्थ्य मंत्री गोवा रामकृष्ण, मैं पॉपुलर नाम से बोलाता हूं, सुदीन धवलीकर जी, विद्युत मंत्री गोवा सरकार, मोविन जी, रोहन खोटे जी, रवि नाइक जी, अतानासियो जी, श्री दिगंबर कामत जी, नीलकंठ हरलानकर जी, गोविंद गोड़े जी, जोशुआ डिसूजा जी, दयानंद मांडेकर जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, श्री श्रीपद यशो नाइक जी और बहन पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो जी। दोनों जना जरा खड़े हो जाइए, श्रीपद भाऊ खड़े हो जाइए। दोनों प्रत्याशियों के लिए जोर से ताली बजाकर स्वागत करो भैया। और आज गोवा में यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों और बहनों, आने वाली मतदान के अंदर गोवा की दोनों सीटों का फैसला आपको करना है, मगर जब गोवा के सारे मतदाता मत डालने जाए तो आप एक बात जरूर याद रखना कि आप सिर्फ दो सांसद नहीं चुन रहे, आने वाले 5 साल के लिए भारत का भविष्य किस पार्टी के हाथ में हो, किस व्यक्ति के हाथ में हो, वो तय करने का काम आप करने जा रहे हैं। आप श्रीपाद जी और पल्लवी बहन को जब कमल के निशान के सामने वोट डालोगे, आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। पल्लवी जी और श्रीपाद जी को दिया हुआ एक एक वोट 400 पार की यात्रा पूरी करकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। भाई और बहनों, चुनाव किसके बीच में, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिन पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी। एक और जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण
भारत माता को समर्पित करने वाले उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए एक भी दिन का छुट्टी नहीं लिया है भाइयों बहनों, एक भी। और दूसरी ओर राहुल बाबा है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ते ही विदेश में वैकेशन के लिए चले जाते हैं। एक और पूरा एनडीए का कुनबा है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ 10 साल से सरकार चलाकर भारत का गौरव बढ़ा रहा है। और दूसरी बार एक घमंडिया गठबंधन है, उनका कोई नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। भाइयों बहनों मुझे बताओ, ऐसा होने वाला है नहीं, स्वप्न में भी संभव है नहीं, मगर भगवान न करे और ये इंडी अलायंस को बहुमत मिल जाए तो भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? बता सकते हैं क्या शरद राव इस देश को संभाल सकते हैं? गोवा वालों बताओ, हा या ना? संभाल सकते हैं? ममता बनर्जी संभाल सकती है? बीमार स्टालिन संभाल सकते हैं? उद्धव ठाकरे जी संभाल सकते हैं? और अंत में एक बार पूछता हूं, राहुल बाबा संभाल सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो भाई, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता है। भाई और बहनों, ये लोग देश नहीं संभाल सकते। एक पत्रकार ने इंडिया अलायंस के जोकर जैसे नेता को पूछा कि भाई आप बहुमत मांग रहे हो मगर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा, हम सब बारी बारी बनेंगे। भाई और बहनों, इनकी गंभीरता देखिए। 30 साल तक इस देश ने अस्थिर सरकारों को झेला है, उसका खामियाजा भुगता है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी मजबूती के साथ इस देश का नेतृत्व करें। मुझे बताओ, ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनने वाली टीम अगर कोरोना आई तो इस देश को कोरोना के बाहर निकाल सकते हैं क्या? बताओ तो, इस देश को सुरक्षित कर सकते हैं? आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं? नक्सलवाद समाप्त कर सकते हैं? इस देश को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बना सकते हैं क्या? भाई और बहनों, ये कर सकते हैं तो अपने बेटों बेटियों का भविष्य बना सकते हैं, गोवा के युवाओं का भविष्य नहीं। सारे नेता, शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव जी बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, सोनिया जी बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, स्टालिन जी बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गोवा वालों मुझे बताओ जरा, जो अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करते हैं, ये गोवा के युवा के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? गोवा के युवा के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए अगर कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे, चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता। मोदी जी की सरकार आपने बना दी। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा पर पाकिस्तान ने हमला किया, आतंकवादी भेजे,
मगर पाकिस्तान वाले ये भूल गए कि सरकार बदल गई है, अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अब मनमोहन जी प्रधानमंत्री नहीं है, 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। भाइयों बहनों, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराया। मुझे बताओ गोवा वालों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और गोवा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए मगर इस देश को, गोवा को नहीं जानते हो। गोवा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने जिस धारा 370 को ये हिंदी अलायंस वालों ने 70 साल से अपने अनोरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाया था, आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। जिस कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी को सेना का प्रोटेक्शन देकर भेजना पड़ा था, वो लाल चौक पर आज शान से हमारा तिरंगा बहुत शान के साथ फहरा रहा है। मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जवाब दीजिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को भटकाती रही, अटकाती रही, लटकाती रही। मोदी जी ने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा खड़गे जी, प्रियंका जी, सभी को निमंत्रण गया था, शरद पवार जी को भी गया था प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का, परंतु वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। न केवल राम मंदिर, टूटा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनरोद्धार किया मोदी जी ने, सारे श्रद्धा केंद्र को सम्मानित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। भाई और बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मन पूर्वक याद करना चाहता हूं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने सप्त कोटेश्वर महादेव के मंदिर का पुनः निर्माण करने का काम शिवाजी महाराज ने किया।
और आज प्रमोद सावंत जी ने उसको और विकसित करकर सम्मान दिलाने का काम प्रमोद सावंत जी ने किया। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकली थी, हालांकि गोवा में तो वो आए नहीं क्योंकि खड़गे जी छोटे प्रदेशों को महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं छोटे छोटे प्रदेश में भाजपा सरकार बना रही है, इसका क्या मतलब है? अरे खड़गे जी, प्रदेश कितना भी छोटा हो वो भारत का दिल होता है, दिल होता है। और ये मेरा गोवा भारत माता के कपाल पर एक बिंदी जैसा है जो पूरे ललाट को सुशोभित कर देता है। वो यहां तो नहीं आए भारत जोड़ो यात्रा लेकर, मगर मैं खड़गे साहब को कहने वाला हूं, खड़गे साहब भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल दी, 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकाल देना, क्योंकि कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। और खड़गे साहब को लगता है कि ठीक ना राहुल बाबा पर फूटेगा, मैं अभी से बता देता हूं खड़गे जी, ये भाई बहन को कोई कुछ नहीं करेगा, आपकी बलि चढ़ने वाली है, मेरी बात याद रखना या मेरी बात याद रखना। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी पार्टियां देश का भला नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाना। भाइयों और बहनों, अंत्योदय ये भारतीय जनता पार्टी का बिलीफ विश्वास। मोदी जी ने इस 10 साल में 80 करोड़ गरीबों के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में पहुंचाया। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल दिया। और 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा दिया। गोवा वालों, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा दोनों हाथ उठाओ तो जो उसको 2 टीका लगा हो। सभी को लगा है ना भाई? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने सामने से कॉफी पिलाकर मुफ्त में 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित किया। और उस वक्त कांग्रेस के साझा थे राहुल बाबा कहते थे कि कोरोना का टीका मत लो, ये मोदी टीका है। अच्छा है गोवा वाले उनकी सुनते नहीं है। सभी गोवा वालों ने ले लिया, देश वालों ने ले लिया। जब देखा सबने ही ले लिया, तो एक दिन रात को भाई बहन दोनों अंधेरे में जाकर वो भी टीका लगा रहे। अरे शर्म करो राहुल बाबा, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, ये देश इनके बूते की बात नहीं। जब भी कांग्रेस के हाथ में कमान आई, देश की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पूरा माइनिंग बंद पड़ा। मैं आज ये प्रमोद हमारा थोड़ा शर्मिला आदमी आपको नहीं बताएगा, 10-10 बार यहां से सभी को लेकर दिल्ली आए हैं, मेरी ऑफिसों के चक्कर काटे हैं। हम दोनों साथ में प्रधानमंत्री के पास गए और माइनिंग ब्लॉक्स का ऑक्शन भी हो गया, 8 ब्लॉक आमंत्रित भी हो गए,
एक में माइनिंग भी चालू हुई और मोदी का गारंटी सुन लो, 2 साल में गोवा का पूरा माइनिंग इंडस्ट्रीज पहले की तरह धमधमाट कर चल रहा। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी समस्याओं का निवारण करती। हमारे उत्तर गोवा में श्रीपाद भाऊ लड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, सालों से आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। एनडीए ने इतने छोटे से प्रदेश में नई सड़कों के लिए 36 करोड़ रुपया दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 37 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 55 करोड़, आयुष्मान भारत योजना सिर्फ उत्तर गोवा में 30,000 लाभार्थी, उज्ज्वला योजना हजारों कनेक्शन और 100% घर में नल से जल पहुंचाने का काम श्रीपाद भाऊ ने किया है। जोर से ताली बजाओ श्रीपाद भाऊ के लिए। भाइयों बहनों, मत्स्य पालन के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है और हमारे गोवा के अंदर 13,000 मछुआरों को बायोमेट्रिक कार्ड्स दिए गए, 10,000 मछुआरों को पीवीसी के कार्ड दिए और गोवा में 108 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अलग अलग भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने चालू किया है। हमारे संकल्प पत्र के अंदर भी मछुआराओं के लिए हमने ढेर सारी घोषणाएं। अंत में गोवा वालों, मैं हिसाब देने आया हूं, 10 साल कांग्रेस की सरकार चली, 10 साल भाजपा की सरकार चली। मैं आज यहां से कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, यूपीए की सरकार थी, आपने गोवा के विकास के लिए केंद्र से कितना पैसा भेजा वो नहीं बताएंगे, मगर मैं बता देता हूं, उन्होंने 6,300 करोड़ रुपया भेजा था और मोदी जी ने यही 10 वर्ष में 35,027 करोड़ और 11,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नया एयरपोर्ट मनोहर जी के नाम पर बनाया, 1600 करोड़ से गोवा सीमा से कुंडापुर तक 4 लेन तटीय राजमार्ग बनाया, 1500 करोड़ से जुआरी नदी पर केबल ब्रिज बनाया, 800 करोड़ से एमईएस कॉलेज जंक्शन से बोगमालो जंक्शन तक 4 लेन फ्लाईओवर बनाया, मनोहर परिकर कानाकोना बाईपास के बीच की दूरी कम हुई, 3,000 करोड़ से मोपा एयरपोर्ट बनाया, मत्स्य पालन के लिए 50 करोड़ दिए और इसके साथ साथ 1,000 करोड़ वाली 47 योजनाएं शुरू की, 400 करोड़ की लागत से एनआईटी बना, एफएसएल यूनिवर्सिटी बनी, आयुर्वेद संस्थान बना, सप्त कोटेश्वर मंदिर नया बना और समुद्री क्लस्टर बनाने के लिए भी सर्वे चल रहा है। ये समुद्री क्लस्टर जहाजों की डिजाइन के लिए बनेगा, जो पूरे भारत के जहाज अपने छोटे से गोवा के अंदर बनाने का काम करेगा। और भाइयों बहनों, ढेर सारा जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, शौचालय, अन्य योजना, आवास योजना, डीबीटी स्कीम और इंस्टीट्यूशन, ये हमारे मुख्यमंत्री है प्रमोद जी, हर गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर एक भी लाभार्थी न छूटे इसकी चिंता करते हैं। मुझे बड़ा आनंद है हमारे छोटे से प्रदेश में 100% मोदी जी की स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। भाइयों बहनों, इंडी अलायंस वालों को पूछना चाहिए कि आप गोवा और देश के विकास के लिए आपका नक्शा क्या है, अगर है तो अभी भी समय है, 2 ही चरण हुए हैं, बताइए देश की जनता,
हमने हमारा संकल्प पत्र देश की जनता के सामने रखा है। मोदी जी ने देश को वादा किया है कि तीसरी बार एनडीए सरकार बनने के बाद देश सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, दुनिया भर के लोग यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने आएंगे और हमारा भारत हर क्षेत्र में दुनिया में नंबर वन बनेगा। मित्रों, नंबर वन बनेगा। गोवा वालों, एक मटकी भी घर में खरीदते हैं ना तो उस पर टकोरा लगाकर देखते हैं मटकी कच्ची है या पक्की है। पूरा देश किसी पार्टी को सौंपना है, भाव में मत आना, ठंडे दिमाग से सोचना देश को कौन सुरक्षित कर सकता है, कौन समृद्ध कर सकता है, कौन देश को दुनिया में सम्मान दिला सकता है। आंख बंद कर 5 मिनट तक सोचना, जवाब एक ही आएगा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने दो बहुत तरीके से अनुभवी दोनों प्रत्याशियों को आपके सामने रखा है। उत्तर और दक्षिण में मुझे विश्वास है कि गोवा की जनता दोनों सीटें मोदी जी के झोली में डालेगी और जब 400 कमल का माला बनेगा तब मेरे गोवा के भी दो कमल दीप्यमान होकर भारत माता की मूर्ति पर दिखाई पड़ेंगे। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो, दबाएंगे? हमारे दोनों प्रत्याशियों को सांसद बनाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास का मुट्ठी बीजे और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। धन्यवाद अमित भाई। अरे भारत देशा घ्या पाहुण्यार, आमचे माननीय पंतप्रधान एक यशस्वी, डिसाइसिव, स्ट्रॉंग नेतृत्व देतात। एक बारीक पण